नमस्कार, सियावर रामचंद्र की जय। जैसा कि हमारे पिछले वार्तालाप में कल मैंने बोला था कि मैं अलग अलग रामचरितमानस के अलग अलग कांड से कुछ न कुछ प्रस्तुत करते रहूँगी इन 9 दिनों में। और कल मैंने शुरू किया था नाम वंदना बाल कांड से। रामचरितमानस की नाम वंदना कल मैंने नहीं ली थी, मैंने नाम वंदना मीराबाई की ली थी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इतना सुंदर भजन है। मीराबाई जो उसमें कहती है कि मैं तो गिरिधर नागर की भक्त हूँ, फिर भी मैं राम का नाम हरक हरक करके उसके जस गा रही हूँ, क्योंकि उस नाम की महिमा ही कुछ ऐसी है। जन्म जन्म की मैंने पूजी पाई, एक मेरे गुरु ने एक मुझे एक बीज मंत्र दे दिया राम का नाम 2 अक्षर का, और इस नाम से मैंने जो पूंजी पाई उसको खर्च करने से वो बढ़ता ही है ना, उसे चोर लूट सकता है। और उसकी नाम के गुणगान करने से भवसागर भी मैं तर जाती हूँ। तो मेरे सद्गुरु के लिए जिन्होंने मुझे इस नाम का बीज मंत्र दिया उनको भी मेरा नमन। इस सुंदर भजन प्रस्तुति के साथ जो मैंने कल प्रस्तुत किया था वो रूपक ताल में था, अहिर भैरव की एक रचना थी जो मैंने थोड़ी कोशिश की थी करने की। आज मैं रामचरितमानस से ही कुछ दोहे चौपाइयाँ बोलने वाली हूँ। ये जो दोहे चौपाइयाँ मैं बोलूँगी ये मैंने दरअसल पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी के कुछ रामचरितमानस के उनके सुने मैंने, और इतना सुंदर लगा मुझे उनका बालकांड का वर्णन कि मैंने उसको वैसे का वैसे ही सोचा कि मैं एक प्रयत्न करती हूँ उसी ऑर्डर में, उसी तरह से जैसे उन्होंने कोशिश की मैं उसी ऑर्डर में उसको प्रस्तुत करने वाली हूँ। और जो उसमें दोहे चौपाइयाँ हैं मैं बताऊँगी कि कौन से दोहे की कौन सी चौपाई है, उसी रागों में भी जो उन्होंने स्वरबद्ध किया है उसी में मैं एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ। और जैसा मुझे समझ में आया जो उसका जो सार है वो भी मैं आपको बताते जाऊँगी साथ में। और इसकी सुंदरता ये है कि ये पूरा गाया गया है, रागबद्ध है, अलग 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 उसके जो दोहे हैं उसमें अलग राग है। कोशिश की गई है कि उनको समय के हिसाब से, जो उनके ऑडियंस के हिसाब से उन्होंने रचना की है उसकी, और मैं उसको ही फॉलो करते हुए कुछ एक छोटा सा प्रयास कर रही। तो प्रस्तुत है बाल कांड की चौपाइयाँ। चौपाई थी ये 26वें दोहे की
चौथी चौपाई है उसकी पहली लाइन थी। वर्षा के जैसे बरसने लगती है और उनकी सूखी काया एकदम खिलखिला के उड़ने लगती है। हमारी जो काया है उसको धान से फसल से कंपेयर किया है। अगली जो चौपाई है वो नौवें दोहे की है और यहाँ से ललित में चौपाई है जिसमें राम का नाम नहीं है और वो कौन सा है?
उत्तरकांड के जो 38वां दोहा है उसकी चौपाई है, चौथी चौपाई जो कोई तात्पर्य नहीं होता। यही एक चौपाई है उत्तराखंड की, उत्तरकांड की। शीतलता है, तो एक इतने सुंदर से नाम, दो अक्षर के नाम में इतने सारे स्वभाव हैं। और उसके अलावा जो रकार आकार और मकार है उसको ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी स्वरूप माना जाता है। तो इस चौपाई में सारे तत्व को बता रहे हैं कि अग्नि है, भानु है, चंद्रमा है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। Yeah.
है राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है बोलते हैं तभी हमें जो महेश है वो हमें सदगति और जो अविनाशी सदगति जिसका इसमें वर्णन है, तो वहाँ पर भी राम नाम का ही बल चलता है। जासो नाम बल संकर काशी, काशी में जहाँ पे राम नाम का ही बल चलता है, महेश भी उनकी ही बात सुनते हैं और उनका नाम राम का नाम लेने पर ही हमें सदगति प्राप्त होती जो
तात्पर्य है कि अगर जो साधना कर रहे हैं उनके भक्तगण, अगर वो उसको जिस तरह से उसका राम नाम ध्यान पूर्वक लेंगे, तो जो इसमें बात की है सिद्धि अनुमादिक की सिद्धि मतलब, तो योग जो है जो लौकिक योग की जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां जिनको कहते हैं अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशत्व और वशित्व, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं इनकी प्राप्ति कैसे होती है? सिर्फ राम के दो अक्षर के, राम नाम के दो अक्षर को लेकर। Thank you.
नाम लेते हैं तो उनका अमंगलकारी स्वरूप भी एकदम मंगलकारी हो जाता है। उसी तरह से ऋषि मुनि जैसे शुक मुनि, सनक मुनि जो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र थे वो कुमार जिनको कहते हैं, वो सब भी जब विष्णु की उपासना करें तो उनको भी ब्रह्म सुख की प्राप्ति हो। Thank you.
और इसमें जो वर्णन है वो ये कह रहे हैं कि कोई जात वर्ण इन सबका कोई भेद नहीं है, तुम राजा हो, तुम ईश्वर हो, तुम एक कोई शायद कोई एक अदना इंसान हो, तो भी तुम अगर सिर्फ प्रभु का नाम लोगे तो तुम्हें परम स्थान मिलेगा, महासुख मिलेगा। अभी जैसे इसमें अगली जो चौपाई है इसी की जो तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति है वो हंस ध्वनि में है, जो इसका 25वां दोहा है।
चरम सीमा तक पहुंच जाती है। इससे मैंने शुरुआत की बालकांड के नाम वंदना से। इसमें क्योंकि भगवान श्री राम के नाम की जो महिमा है और बहुत सारी ऐसी चौपाइयां हैं जिसमें इसका वर्णन है। मैंने तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि छन्नूलाल महाराज जी की मैंने चौपाइयां सुनी और मैंने उनको ही लिया और उनको ही उसी राग में ही जिस राग में उन्होंने उसकी स्वर रचना की है उसी राग में उसकी प्रस्तुति की और एक छोटी सी कोशिश की। और फिर मिलेंगे अभी हम कल अपने बालकांड से ही कुछ और मैं चौपाइयाँ करूँगी। एक भजन भी सुनाऊँगी आपको सुंदर सा। इस तरह से रोज़ कोशिश ये है कि रामनवमी तक मैं सारे कांडों से कुछ ना कुछ आपको प्रस्तुत करूं। साथ में बने रहिए और अपना आशीर्वाद बनाइए। इसके साथ ही जय सियाराम।